हांसी लघु सचिवालय के बाहर चल रहे धरने पर किसानों ने गुरुवार को चौथे दिन टोल प्लाजा कमेटी और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य की मीटिंग की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि कल शुक्रवार को हिसार के कमिश्नर को तीन मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 16 तारीख को जींद की जाट धर्मशाला में हरियाणा के सभी टोलों और हरियाणा के सभी किसान संगठनों की एक पंचायत बुलाई जाएगी। यह पंचायत नारनौंद में किसानों पर दर्ज मामले खारिज करने और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथियों पर मामला दर्ज करने और किसान कुलदीप राणा के परिवार को सरकारी नौकरी, इलाज में सरकारी सहायता देने की मांगों को लेकर बुलाई गई है। किसानों ने कहा कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक हांसी लघु सचिवालय के बाहर धरना जारी रहेगा। हाँ, उसमें फैसला लिया गया है कि मुआवजा और नौकरी मिले कुलदीप भाई को, जो वेंटिलेटर पे है, जिंदगी और मौत का बीच में जूझ रहे हैं। दूसरा फैसला लिया गया है कि रामचंद्र सांसद पर, उसके सहयोगियों पर, जिनकी वजह से हमारा भाई आज जिंदगी मौत पे है, उन पर FIR दर्ज हो और मुकदमा दर्ज हो। 16 तारीख को जींद में, जींद की जाट धर्मशाला में, हरियाणा के सभी संगठन, सभी किसान, सभी टोल प्लाजा, 16 तारीख को वहाँ महापंचायत होगी, मीटिंग होगी। उसके बाद के फैसला लेता हो तो बाद में बता जाए। ये तीन फैसले के पास। और यहाँ जो यहाँ की लोकल कमेटी है हमारी, यहाँ के 5 आदमी कल कमिश्नर साहब से मिलेंगे, उसको ज्ञापन दे के आएंगे कि भाई यहाँ तक का तो बात हमने देख ली, और कमिश्नर से ज्ञापन दे के हमारे 5 आदमी। ये अभी ये धरना जो की जो अध्यक्षता कर रहे हैं साथी, उनकी मीटिंग थी, उसमें फैसला लिया गया है कि कल IG को ज्ञापन दिया जाएगा, कमिश्नर को ज्ञापन दिया जाएगा, और 16 तारीख को पूरे हरियाणा के टोलों की कमेटियां, पूरे हरियाणा के किसान संगठनों के कन्वेंशन बुला रखे हमने। कन्वेंशन यानी विचारिक लोग अपना अपना वहां बात रखेंगे, उसमें से निकल के आएगी। अगर 16 तक इस मामले को सरकार नहीं मानती तो वहां हम बड़ी कॉल देंगे 16 तारीख। कुलदीप राणा का पहले जैसे नारनौंद में हमसे दो ही मांग थी हमारी, भाई हमारे खिलाफ पर्चा रद्द हो और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। अभी स्थानीय कमेटी ने निर्णय किया है कि वो गरीब परिवार है, 1.5 किले का किसान है, 5 बच्चे उसने पढ़ने, उसकी लड़की भी अनजोगी हो रही, तो इनका विचार है कि अगर उनको सरकारी मदद मिल जाए, मुआवजा मिल जाए तो अच्छी बात है। अब हमारी तीसरी मांग और जुड़ गई, एक की बजाय तो तीन मांग होगी, तीन